गोवंश की तस्करी में ये जो 3 करोड़ जानवरों के मिसिंग होने का दावा किया जाता है, वो आते कहां से हैं? जीप, बस, ट्रक, टैंकर वगैरह में जो गोवंश ठूस ठूस कर भरे जाते हैं, वो किसके घरों के होते हैं? किस मंडी में इन्हें खरीदा जाता है? भारत बांग्लादेश सीमा पर हर दिन जो 20 से 60 हजार के बीच गोवंश बॉर्डर पार कराया जाता है, किसका गोवंश है? हम आए दिन देखते हैं कि आवारा जानवर लोगों को मार रहे हैं। वो बहुत ताकतवर और हिंसक दिखते हैं, लेकिन गौ तस्कर उनको कैसे भूसी की तरह गाड़ियों में भर लेते हैं? गौ तस्करी कैसे होती है? ये जानवर कहां से आते हैं? इनको कैसे पैक किया जाता है? कहां से कहां पहुंचाया जाता है? इन तमाम सवालों पर इस रिपोर्ट को देखिए। भारत बांग्लादेश सीमा का वीडियो नंबर 1। भारत बांग्लादेश सीमा का वीडियो नंबर 2। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा का वीडियो नंबर 3। भारत से बांग्लादेश में गोवंश की तस्करी के ये वीडियो आपको YouTube में आसानी से मिल जाएंगे। इन 3 वीडियो में गो तस्करी का खूंखार चेहरा देखने को मिलता है। गोवंश को भारत से बांग्लादेश भेजने के कई तरीकों में से एक आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ऊपर की ओर एक क्रेन लगाई जाती है, जिस पर गोवंश को गले से बांधकर लटकाया जाता है, फिर कटीली बाड़ के ऊपर से उसे सीमा पार करवा दिया जाता है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। इसमें एक नदी में आपको बहुत सारे केले के तने बहते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये तने करीब आते हैं तो इनके बीच में फंसे गोवंश का सिर दिखता है। करीब 5000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा भारत के कई राज्यों से लगती है। गोवंश की तस्करी का यह तरीका वहां इस्तेमाल होता है जहां दोनों देशों की सीमा पर नदी बहती है। अब आपको तीसरा वीडियो दिखाते हैं। इसमें सीमा पर लगे कटीले तार के बीच में टीन का टुकड़ा लगा दिया जाता है। तार ऊपर उठा दिए जाते हैं, फिर गोवंश को बांग्लादेश की ओर सरका दिया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ चेहरे आ रहे हैं, ये सब भारत से जुड़े हैं। ये आपको बारी बारी से बताएंगे कि भारत से बांग्लादेश बॉर्डर तक कैसे पहुंचाए जाते हैं गोवंश, और कैसे भारत के भीतर भी गोवंश का इस्तेमाल किया जाता है। दो तरीके से ये इनका ये जो क्राइम कमिट करने का मोटिव रहता है। एक मोटिव जो है वो इकोनॉमिकल है। कुछ दिल्ली में और दिल्ली के 7 के स्टेट्स में ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो जो हमारे आम रोड्स पे गाय वगैरह, अगर कोई आवारा कह सकते हैं या नॉर्मल फ्री रहती हैं, तो ये मौका पाके पहले रिकी करते हैं 2-3 दिन, क्योंकि हमने फिर बाद में टेक्निकल सर्वेलेंस CCTV फुटेजेस वगैरह चेक किए तो एक गाड़ी का नंबर आया। गाड़ी के नंबर आने के बाद में उस गाड़ी के ओनर के चलते हमने और मोबाइल और अदर सर्वेलेंस लगाई, तो हमें पता चला कि 2-3-4 दिन ये इलाके में रेकी करते हैं। 2 चीज़ें इनकी होती है कि एक ओपन ग्राउंड सी हो, एक छिपा हुआ, और एक ऐसी जगह हो जहां पर कि ये आवाजाही कम हो। गाय को ये 3-4 लोग होंगे गाड़ी में आते हैं,
ये साइड में एक ओपन ग्राउंड में ले जाते हैं और जल्दी से अपने औजार निकाल के काट के उनका जो मांस है उसको लेकर और बाद में ये जो इनफॉर्मल कोई मार्केट वगैरह हो तो वहाँ पर सेल करते हैं। ये एक इकोनॉमिकल रीज़न से इसका जो है ये करते हैं। लेकिन कुछ वारदातें ऐसी भी हुई हैं जहाँ पर इनका जो मेन मोटिव है कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करने का रहता है। ये क्या करते हैं, किसी गांव का किसी एक एरिया को किसी एक बंदे किसी एक व्यक्ति को ये पकड़ लेते हैं, तो उसका काम क्या होता है, वो करता है रेकी कि भाई ये दो गाय हैं ये सुन्नी घूम रही है, ठीक है यहाँ पे चार गाय हैं यहाँ पे पांच गाय हैं, तो वो सारा दिन ये देखता रहता है कि गाय भाई ये किसी की पालतू गाय है उसने अभी चरने के लिए बाहर छोड़ दी है। तो वो जब हमने पता किया तो उस एक रेकी करने वाले को एक एक गाय के 15-15, 20-20 हज़ार मिले, और अगर मान लो रेकी करने वाले को वो 10-15, 20-50 हज़ार दे रहे हैं तो वो उसको आगे में कितने में बेचते होंगे, एक किस्म से उनके लिए तो ये ब्लैक का माल है। जो गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हम पशुधन को लाद सकते हैं गोवंश को लाद सकते हैं उसका रंग अलग होना चाहिए, उसमें 5-7-10 अलग अलग उसके वो हैं वो होने चाहिए, डीएम का परमिशन होनी चाहिए कि भाई मैं इस स्टेट से इस स्टेट में ले जा रहा हूँ, उस जिले से उस जिले में ले जा रहा हूँ, जिस जिले में जाते हैं उस डीएम की परमिशन चाहिए कि हाँ ये मेरे यहाँ रहा है, ऐसा कोई कानून का कोई पालन नहीं होता। और एक एक जो है गाड़ी में जो है 70-70, 60-60, 100-100 गोवंश भर दिया जाता है जो, और गोवंश केवल ट्रकों में ही नहीं भरा जाता। अभी मेरे पास असम से खबर आई कि जो अपनी ये सवारी गाड़ी है इसकी सीटें अंदर से निकाल दी सब और उसमें गोवंश भर दिया। अब दूर से आदमी सोचेगा भाई सवारी गाड़ी जा रही है जो है यात्रियों की गाड़ी है इसमें क्या गोवंश होगा। पिछले दिनों घटनाएं हुई थी कि भाई टैंकर जो दूध के टैंकर हैं तेल के टैंकर हैं उनमें गोवंश भरा हुआ था जो है। उसके बाद जो है मैं एक बार नूह में फिरोजपुर जुर्का गौशाला है उसमें गया था तो जो ये पिकअप वैन है छोटे हाथी हैं और ये जो बैठने सवारी गाड़ी हैं जो है इनमें भी गोवंश को लाद के सिकंजों से कस के उसको वो 5-5, 7-7 गोवंश को भर देते थे जो है। अब इस तरह की स्थिति गो तस्करों की है जो है। कुछ साल पहले एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें 28 गोवंश थे और उन गायों की स्थिति ये थी कि उनको देख करके नेत्र सजल हो गए, बिल्कुल इतनी भयावह स्थिति थी। उन गायों को एक गठरी की तरह बांध करके जैसे सीमेंट की बोरियां लोड की जाती हैं ऐसे गौएं लोड करी हुई थी, गौ माता को नीचे गौ माताएं फिर पटरे डाल करके फिर गौ माताएं फिर पटरे, तीन स्टेप में इस तरीके से गाय लोड थीं। जब उसमें से गोवंश निकाले गए तो उसमें 8 गोवंश तो मरे निकले। उन गौओं को गौ माताओं को पता नहीं कब से उनको चारा नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया जिससे कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक ना हो सकें, शिथिल हो जाए उनका शरीर, उनको बांधने लोड करने में आसानी रहे। ऐसी गायों को जब निकाला गया उनको जगह जगह कीड़े पड़ गए थे, लेकिन बड़ी भयावह स्थिति होती है, भगवान ना करे वो दृश्य पुनः देखना पड़े। कभी स्कॉर्पियो में कभी किसी छोटी गाड़ी में बिल्कुल सुन कर उसमें डाल देते हैं और ये लेके जाते हैं। हरियाणा में इन ये गौ भक्षक मेवात में ये गौ माता को लेके जाते हैं और वहाँ गाँव में ले जाकर खुले में यहाँ पे उनको काट कर खाते हैं। ये कई शाखाएं चल रही है जिस प्रकार मुस्लिम लोग चला रहे हैं ये, और उनके साथ सपोर्ट में वो अपने हिंदू भाइयों को रख लेते हैं, बर्गला लेते हैं पैसा देकर, तो हिंदू भाई भी सपोर्ट करते हैं। कई गाय इकट्ठी होती हैं जंगलों में और वहां से कंटेनर भरे जाते हैं, वो कंटेनर इस तरीके से छुपाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, उन्हें मालूम होता है कहां कौन सी चीज है, वो सूचना हम
ये चाहते हैं कि पुलिस वाले हमें सूचना दें, अगर वो नहीं पकड़ पा रहे हैं डायरेक्ट तो पुलिस वाले हमें सूचना दें, हम जाके उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस वाले कई मुझे फोन आते हैं कि भैया पुलिस वालों ने पैसा लेके गाय छोड़वा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से जो गाड़ियां भराती हैं और सिंधी मालवा में प्रांत है वहां पे लोगों को सबको जानकारी होती है कि भाई यहां से गाड़ी निकलनी है, और उनकी सबकी कॉन्टेक्ट मध्य प्रदेश के लोगों से भी होते हैं, छोटे और बड़े सब लोगों से होते हैं, वो गाड़ियां भर के लाते हैं। तो रातों में गौ तस्करों के कांटेक्ट यहाँ होते हैं? जी 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 जी, गौ तस्करों के भी कांटेक्ट होते हैं, और कई लोगों से कांटेक्ट ऐसे होते हैं कि वो रातों में गाड़ी बाइकों से दो दो तीन तीन किलोमीटर आगे चलते हैं कि भाई यहाँ बजरंगी नहीं है, अब आप लोग पीछे से आ जाओ। तो वो गाड़ियां कभी लहसुन की गाड़ियां होती है उसमें गाय भरी होती है, कई बार तो कंटेनर जो पैक होते हैं कोई समझ ही नहीं सकता कि इसमें गौ माता हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो कोच जैसी बसों में भी गौ माता की तस्करी हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि गौवंश पशु तस्कर के पास आते कहां से हैं, और गौवंश ही इनके निशाने पर क्यों रहता है? इतनी बड़ी संख्या में तस्करी के लिए गौवंश कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचता है? गोवंश जैसे मान लिया कि कोई दुधारू गोवंश होता है, अगर वो दूध देना बंद कर देती है एक तो वो खरीदते हैं, दूसरा है कि अगर वो कृषि योग्य भी नहीं है तो उनको भी लोग बेच देते हैं। गौ माता के जो बछड़े हैं इनकी उपयोगिता आज के परिवेश में नहीं रह गई, तो ऐसे गांव में लोग जो गौ दूध नहीं देती है या बछड़े होते हैं इनको ऐसे छोड़ देते हैं, तो जो गौ तस्कर हैं उनके लिए सुअवसर रहता है, वो रात के अंधेरे में ऐसे जो गोवंश खुले बिचरते रहते हैं उनको कहीं ना कहीं एकांत में जा कर के इकट्ठा कर लेते हैं और मौका पा करके वहाँ से इनको गाड़ियों पर लोड कर देते हैं। ये आवारा जो घूमते हैं कि उनको पकड़ लेते हैं भाई, घी दूध खाया लोगों ने छोड़ दिया, आप उसको पकड़ लिया उसको, वो आवारा पशु रहते हैं उन्हीं को ले जाते हैं। वो खरीदते हैं राजस्थान साइड से, 1500 रुपए में मेला लगता है, वहाँ से 1000-2500 रुपए में खरीद लेते हैं। हाँ तो वही तो खरीदते हैं ना भाई, जिसकी घी दूध खाए बंद कर दी, उनने घी दूध देना उनने भेज दी। अच्छा, जो रोड पे हम देखते हैं हाईवे पे जो डली रहती है गाय जी, उनको भी उठा लेते हैं? हाँ उनको भी उठाते हैं, उनको भी ये कसाई लोग लेके जाते हैं, उनको उठा के भाई एक्सीडेंट हो गया उसको उठाया लेके गए, अब गाय को कौन देख रहा है वहाँ, इंसान का एक्सीडेंट होगा तो 10 इंसान खड़े हो जाएंगे, यदि गाय का एक्सीडेंट होगा तो वहाँ कोई खड़ा नहीं होगा, देखते हुए चला जाएगा, और जो कसाई लोग आएंगे वो उनको उठा के भूसड़ खाने लेके जाएंगे। जो ये गौ तस्कर हैं वो रात के अंधेरे में जो सुन्नी गाय हैं हमारे द्वारा छोड़ी हुई बेसहारा गाय हैं उनको नशीली दवाएं देके टीके लगा के उनको इतनी बेरहमी से भर ले जाते हैं वाहनों में, आप उनकी अगर देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जितनी भी गाय जो व्यक्ति पाल के उन सबका दूध निकाल के छोड़ रहा है उसमें 151 की और 116 की कार्रवाई की जाए। हम मौके से जब उन पहुंचते हैं वहां तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति होती है, सड़कों के ऊपर जब गोरक्षा दल वाले इन तस्करों का पीछा करते हैं तो वो वहां से बचने के लिए, भागने के लिए और उनको घायल करने के लिए गायों को बेरहमी से अपने वाहनों से नीचे फेंक देते हैं, और जिससे गायें इतनी बेरहमी से घायल हो जाती हैं, अपंग हो जाती हैं कि आप उनकी स्थिति देख नहीं सकते,
उन गायों को हम अपने वाहनों से गौशाला में लेके आते हैं और डॉक्टरों से उनकी टीम से उनका उपचार करवाते हैं। तो फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये एक इतनी दयनीय स्थिति है आज गायों की कि हम लोग गायों को एक अपने परिवार के हिस्से की तरह उनको पालें पोसें और बेसहारा ना छोड़ें जिससे कि ये कत्ल खाने तक ना पहुंचे। यहाँ सवाल ये भी है कि गौ तस्कर गौवंश को इतनी आसानी से काबू में कैसे कर लेते हैं, छोटी सी जगह में इतना ज्यादा गौवंश कैसे भर दिया जाता है, लंबी दूरी तक गाड़ियों में वो यात्रा कैसे कर लेते हैं। इस सवाल के जवाब में हमें गौ तस्करी का बेहद खूंखार चेहरा दिखता है। गाय रंभाए नहीं, चिल्लाए नहीं, इसके लिए ये इनको एक किस्म का तेजाब पिलाते हैं जिससे इनकी गायों के छाले हो जाते हैं और वो छाले ठीक होने के लिए उनको महीने लग जाते हैं। हमको इनको पानी पिलाना पड़ता है, विशेष रूप से ठंडा ठंडा पानी और तरह का ग्लूकोज का पानी पिलाना पड़ता है ताकि इनकी गले के छाले दूर हो जाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।